Good morning, student. I am Sanjeev Angelo. I am going to teach Hindi Class 6, Chapter 1, Pranati, जो कि कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है. उनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया गांव में हुआ था. वो एक बहुत ही अच्छे कवि थे और साथ में एक गद लेखन भी थी. वे अधिकांश जो कविताएं हैं उनकी देशभक्त पर ही आधारित है. उन्होंने कविता में जो भी कविताएं लिखी हैं उस वो कविता वीर वीरांगनाओं के जो वीर गाथा है उन पे वो आधारित होती है. और ये प्रणति जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर वन, ये भी देशभक्त पर ही आधारित है. जैसे आज जो है प्रणति, जिसका अर्थ है प्रणाम, तो उन वीर सिपाही लोग का शहीदों के नाम समर्पित है जिन्होंने बहुत ही लगन से, बहुत ही देश भावना के भक्ति से अपने देश को बचा के रखा, उनकी रक्षा की. तो उन्हीं पर ये कविता आधारित है. तो चलते हैं, इस कविता में क्या है उनके प्रति देखते हैं. कलम आज उनकी जय हो, जला अस्थियां बारी बारी, जिनने छिटकाई चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोह. तो कवि कहते हैं कि जिसने भी हमारे देश में बुरी नजर डाली या हमारे एकता को भंग करने की कोशिश की, उनका अस्तित्व मिटा दिया गया. उन वीर शहीदों की जय हो, उनकी जय गाथा हो. ये अपने कलम द्वारा जाहिर करते हैं कि उनकी वीर गाथाओं को कलम के द्वारा अंकित करें. फिर दूसरे पद में कहते हैं कि जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल के बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं इसने मुंह को, कलम आज उनकी जय हो. तो जैसे कि असंख्य अनगणित देशभक्त दुश्मनों से देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने कभी भी स्नेह प्यार को नहीं मांगा उनके बदले. इसलिए कहते हैं कि कभी उनकी जय गाथा बोल अपने कलम. सारी दुनिया के सामने उनकी जो आहुति है उनको दर्शाए. फिर तीसरे स्तंभ में पद में कहते हैं कि पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, उनके सीनात से सहमी धरती रही अभी तक वो. इस पद से तात्पर्य यह है कि उन शहीदों और वीरों के खून से सनी ये धरती मां उनकी आहुति और बलिदानों की याद दिलाते हैं, और साथ ही जिनके गर्जना से आज भी दुश्मन डरते हैं, धरती कांप उठती है, कलम आज उनकी जय हो. तो कवि कहना चाहते हैं कि जो वीर सिपाही थे उनमें वो जोश, वीर वीरांगनाओं में वो कर्कश था कि दुश्मन भी उनके सामने नहीं टिकते थे. लास्ट आखिरी पद में कवि कहते हैं कि अंधा चकाचौंध कमारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साथी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल. तो वे जो उनकी दुनिया से अनजान है, मतलब वीरों की दुनिया जो शहीद हो गए उनकी दुनिया से जो अनजान है, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में उनको नहीं मालूम, उन्हें ये तक भी नहीं मालूम है कि उनका जो वर्तमान है उनका आधार क्या है, लेकिन उनका साक्षी आज भी सूर्य चंद्र धरती आकाश ये सभी हैं. इसलिए बोलते हैं कवि अपने कलम से कि आज मैं उनकी जय गाथा
अपने कलम द्वारा सारे दुनिया को बताऊंगा जो वीर सिपाही किस तरह अपने आप को बलिदान कर दिया, देश के लिए कुर्बान कर दिया, ये उनकी आहुति कैसे उन्होंने दी, उसका बखान वो करना चाहते हैं। धन्यवाद।